टमाटर का रेट है 120 रुपए किलो। अरे टमाटर तो इतना महंगा है, कहाँ से खरीदा जाएगा। एक ही जगह आधा डालेंगे फिर खाना तो है ना। आज लेके गए दूसरे दिन गल जाता है, आधा टमाटर तो फेंकना पड़ता है। ये 2800 रुपए के पांच पन्नी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ बबली। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर सब्जी मंडी में। यहां पर हम हालचाल जानने आए हैं टमाटर का। भाई क्या करें, टमाटर का प्रमोशन हो गया है। जानते ही होंगे आप लोग, टमाटर के जो भाव हैं वो 150 रुपये तक पहुंच गए हैं, 150 रुपये के एक किलो। कहाँ टमाटर 20 रुपये किलो मिलते थे और अब कहाँ 150 रुपये किलो मिलते हैं। तो सब्जी मंडी में चलते हैं और जानते हैं कि टमाटर की जो ये महंगाई हुई है, टमाटर की जो ये रेट बढ़े हैं, इसका कारण क्या है, किस कारण से टमाटर जो है इतने हाई रेट पर पहुँच गए हैं। हर घर में पहले टमाटर हुआ करते थे, टमाटर के बिना सब्जी में छोंक नहीं लगता था। लेकिन अब वही लोग जहाँ एक एक दो दो किलो टमाटर लेके जाते थे, वही लोग सिर्फ 250 ग्राम ऐसे या फिर आधा किलो टमाटर लेके जा रहे हैं। तो अब जानते हैं सब्जी मंडी में चल के लोगों से कि टमाटर की जो ये रेट बढ़े हैं उसका कारण क्या है। तो चलिए चलते हैं भैया। टमाटर के रेट बढ़ गए हैं, क्या कारण है, टमाटर का हाल चाल बताओ जरा। बारिश तूफान और आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं जमीन पे धरती पे। जब पानी भर जाएगा खेत में, पानी भरा होगा, पेड़ इतना बड़ा होगा, पानी इतना हो जाएगा, उससे फसल कहाँ से आएगी। फसल सड़ गई पानी में, बारिश में मेवा सारी। अब उसका कारण ये है, रुपये में 10% 25% माल रह गया, वो यहाँ आते आते रह जाता है, 5% 10% वो ख़त्म हो जाता है, लेस हो जाता है। अब आदमी को खाने के लिए तो पूरा चाहिए चाहिए, अब कहाँ से आएगा। तो तेजाई तो बढ़ेगी, महंगाई होनी है, इस कारण ये है। तो भाई यही वो लाल लाल टमाटर है जो हर घर में मिलता था, लेकिन अब जो है बहुत ही कम घरों में नज़र आएगा, क्योंकि इसके भाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं और लोगों से जानते हैं टमाटर के हालचाल क्या है। तो आंटी टमाटर लेने आई हैं? हाँ जी। टमाटर लेने आई हैं, कितने लेंगी? 5 किलो। 5 किलो टमाटर लेंगी? क्या कोई फंक्शन है घर में? नहीं, सब्जी की दुकान है। अच्छा, सब्जी की दुकान है। तो आपके वहाँ पर टमाटर लेने आते हैं लोग अभी भी? आते हैं, 30 रुपये पाव। 30 रुपये पाव। और आप कितने किलो लेने आइए? 5 किलो लेने आइए? 5 किलो बस बहुत है, बिक जाएंगे 5? क्या करें, पहले ट्रे लेते थे, महंगाई को जैसे लेते ही नहीं। टमाटर से नुकसान हुआ है आपको भी, जैसे टमाटर के रेट बढ़ गए हैं? आज लेके गए दूसरे दिन गल जाता है, आधा टमाटर तो फेंकना पड़ता है। आधा टमाटर फेंकता भैया? इतना महंगा टमाटर खरीदो फिर वो गल जाते तो नहीं, फेंकना भी पड़ता है, बिका नहीं सकते, आधा फेंकना पड़ता, नहीं बिकता तो। चलिए भाई औरों से जानते हैं टमाटर के हाल चाल। भैया टमाटर बेच रहे हैं, क्या भाव दे रहे हैं टमाटर के? टमाटर 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो? 5 किलो, 600 के 5 किलो। तो टमाटर महंगे हो गए हैं, क्या कारण है टमाटर के महंगे होने का? बारिश, मौसम का कारण है, मौसम का। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब की बार जो है वो खेती वगैरह भी कम हुई है, टमाटर की हुई नहीं है कुछ? खेती भी कम हुई है और बारिश का भी कारण है। बारिश का कारण है तो टमाटर जो है वो जैसे ग्राहक पहले खरीदते थे अब भी खरीद रहे हैं क्या? अब थोड़ा थोड़ा खरीदते, पहले ज़्यादा ज़्यादा खरीदते थे, पहले 1 किलो खरीदते थे, अब आधी किलो खरीदते हैं। अब आप कितने किलो टमाटर लाए हैं आज? आज हम लाए हैं 500 किलो। 500 किलो? 500 किलो लाए हैं तो ये पूरे दिन में बिक जाएंगे? हाँ बिक जाएंगे, पूरे दिन में बिक जाएंगे। हाँ पूरे दिन में बिक जाएंगे आराम से। या थोड़े बहुत बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, थोड़े भी नहीं बचेंगे, सब बिक जाएंगे। तो आपके ग्राहक जो है वो किस कदर आ रहे हैं आपकी शॉप पे, टमाटर कितने ले रहे हैं? 50% आ रहे हैं जी, 50%। तो बाकी के जो 50% नहीं आ रहे वो आपको नुकसान हो रहा है? नुकसान ही है वो हमारा। तो अभी क्या लगता है टमाटर के रेट जो है वो घटने के नाम लेंगे या नहीं लेंगे, रेट घटेगा या नहीं घटेगा? अभी नहीं घटेंगे, 2-3 महीने जी। 2-3 महीने आप टमाटर खरीदने आए हैं? नहीं, नहीं। तो आप भी यहाँ पे टमाटर बेचते हैं? अच्छा, ये आप ही का ठेला है। तो टमाटर के रेट बता दीजिए जरा। टमाटर का रेट है 120 रुपये किलो। पूरी मंडी में 120 रुपये किलो? या कहीं और कम ज्यादा भी बिक रहे हैं? इसी रेट है अभी तो फिलहाल, आगे को महंगा हो सकता है। अभी और महंगा जो 200 रुपये किलो, फिर तो कोई भी नहीं खरीदेगा। खरीदेंगे क्यों नहीं खरीदेंगे, जिनको खाना पड़ेगा जरूर खरीदेंगे वो।
तो सुना आप लोगों ने टमाटर की महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग जो हैं जहां एक एक किलो टमाटर लेते थे आज वो पाया पाया यानी कि 250 ग्राम टमाटर ले रहे हैं, और अपनी सब्जी में जो एक टाइम में 250 ग्राम टमाटर डालते थे अब वो सिर्फ एक या दो टमाटर से काम चला रहे हैं। तो भैया देखिए अभी आंटी टमाटर खरीदने आई है, इनसे जानते हैं टमाटर के हाल चाल की कितने खरीदने आई है। आंटी टमाटर खरीदने आई है? हाँ टमाटर खरीदने आए हैं। तो कितने टमाटर ले लेंगे आप? अब देखते हैं कितना ले जा पाते हैं, इतना महंगा टमाटर तो भाई लोगों की जेब पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गए हैं। बहुत ज्यादा पड़ गया भारी है तो खाना तो है टमाटर एक ही जगह आधा डालेंगे फिर खाना तो है ना। हाँ जहाँ पे एक टाइम सब्जी में पांच पांच टमाटर डलते थे वहाँ पे आधा या एक टमाटर डलेगा पड़ेगा ना, पहले सोचना पड़ेगा कि सब्जी कितनी बन रही है और टमाटर कितना डालना है। सब्जी तो सारी महंगी है, सारी सब्जी महंगी है, 80 रुपये किलो से कोई सब्जी कम नहीं है। अब ये 100 रुपये किलो टमाटर बता रहे, 100 रुपये किलो में कितने टमाटर चढ़ेंगे? तो डेली दो टाइम सब्जी बनाते हो आप? तो दोनों टाइम टमाटर डालती हो? दोनों टाइम डालते हैं, अभी भी डाल रहे हैं, आधा तभी डालेंगे। अच्छा आधा आधा इसीलिए, आधा सुबह और आधा शाम को? आधा सुबह आधा शाम को बनाना, तीन टाइम सब्जी बनती है तो बिना टमाटर का कैसे होगा। आमचूर की खटाई डाल लीजिए। आमचूर की खटाई से नहीं स्वाद आता ना। अब स्वाद भी चाहिए लेकिन टमाटर महंगे हो गए हैं, तो ये बता दो टमाटर खरीदोगे? अरे टमाटर तो इतना महंगा है कहाँ से खरीदा जाएगा। टमाटर ही नहीं लोगे? नहीं टमाटर भी लेंगे, जो लेंगे तो कोई सस्ता सा मिल जाएगा तो ले लेंगे। तो 120 रुपये किलो है, सस्ता तो है ही नहीं, खाया जाएगा, खाने बंद कर देंगे और क्या करेंगे, टमाटर खाने बंद कर देंगे और क्या। सब्जी कैसे बनाओगी? वो थोड़ा वैसे खा लेंगे, कैसे तो करना थोड़ा सा बस, तो वही आमचूर की खटाई डालोगी और क्या करेंगे, वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जब घर पे मेहमान आते हैं टमाटर काट के रखते हैं सैलेड में, तब क्या करोगे? अब तो फिर खत्म ही हो जाएगा टमाटर सारा। तो उन लोगों को जो मेहमान आएंगे उनको टमाटर नहीं खिलाओगे? नहीं जी, अब तो जब महंगाई इतनी आ रही तो कहाँ से आदमी खाएगा, कहाँ मिले, कहीं रहे नहीं, कुछ रहे नहीं, महंगा होने का ये तो मेन बकरा ईद है हमारी, जो टाइम है महंगा होने का, अगर महंगी नहीं होगी तो बिकेगा क्या, फिर मंदा होगा तो क्या बिकेगा, कुछ भी बिकने का। आपकी दुकान पे जो ग्राहक है वो किस कदर टमाटर ले रहे हैं? वो इस तरह ले रहे हैं कि भाई साहब पहले लेते थे एक किलो, अब लेते हैं 250 ग्राम। कितने के हैं टमाटर ये? 2800 रुपए के पांच पन्नी। 2800 रुपए के लाए हो? हाँ। कहाँ से खरीदे? यही खरीदे भाई साहब जी खड़े इनसे। अच्छा आपसे टमाटर खरीदे हैं, तो आपने इनको क्या भाव दिए टमाटर के? हमने 100 रुपए किलो दिया है इनको। 100 रुपए किलो दिया है, तो आपका जो किराया भाड़ा लगा के 120 रुपए किलो मार्केट में बेच देते हैं फिर ये लोग? 120 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में। आपने कहाँ से खरीदे, कहाँ के टमाटर है? ये शिमला का चल रहा है इस टाइम। शिमला का टमाटर है? हाँ शिमला का टमाटर है, शिमला में महंगा है टमाटर। कितने रुपए किलो है शिमला? शिमला के अंदर है 80 रुपए किलो टमाटर। वहाँ पे तो सस्ता, पर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते महंगा हो गया, पहुँचते महंगा हो जाता है। 10 किलो ले आते थे सस्ते में, जब 10 रुपए किलो था 10, अब 25 किलो ले आ रहे हैं। एकदम से इतना बढ़ गया? कहाँ 10 किलो लाते थे अब कहाँ 25 रुपए। इसलिए बढ़ गया है कि पहले ठेली वाले फुटपाथ वाले थे वो ले जाते थे 5 क्रेट 10 क्रेट, अब उनके तो भाई बस की बात नहीं है, दुकानदार आदमी ले जाएगा क्योंकि दुकान पर आदमी उम्मीद करके जाता है कि दुकान पर मिलेगा, ठेली फुटपाथ पर नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर 10 किलो ले जाता है, 25 किलो ले जा रहा हूँ क्योंकि फुटपाथ ठेली वाले बेचारे बंद हो गए, और हो सकता है कल 50 किलो ले जाऊँ। तो भाई सुना आप लोगों ने क्या क्या बताया इन टमाटर वालों ने, होटल वाले को 80 रुपए किलो देंगे सड़े हुए टमाटर, और आम पब्लिक जो लेती है टमाटर उनको 120 रुपए किलो दे रहे हैं, और भाई आम तो बहुत ही सस्ते हो गए हैं लेकिन टमाटर जो है वो आसमान छूने को हो रहे हैं बिल्कुल ही। और बताया जा रहा है कि ये टमाटर के भाव अब और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, 200 रुपए किलो तक हो जाएंगे, और 4-5 महीने तक तो ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं कि भाई इनके दाम घट जाएंगे। तो चलिए और जानते हैं टमाटर के बारे में। बारिश मार गया टमाटर इसलिए महंगा है, सस्ता था पहले अब एकदम महंगा हो गया, अभी पता नहीं। तो बारिश का भी मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए महंगा हो रहा है टमाटर, बारिश खत्म हो जाएगी तो पानी टमाटर टूटेगा उससे सस्ता होगा, अभी महंगा है इसलिए महंगा हो गया टमाटर। टमाटर 200 रुपये के रेट बिक रहा था 300, अब महंगा हो गया एकदम, ये 4-5 दिन से महंगा हो रहा है टमाटर इस टाइम। 4-5 दिन से? 5-7 दिन से हो रहा है, 120 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, 100 रुपये किलो ये रेट है इसका, ये रेट चलेगा अभी 10-5 दिन और। तो जब टमाटर के रेट घटेंगे तो कितने घट जाएंगे? ज़्यादा 50 रुपये किलो, यानी कि अगर अभी 100 मिल रहे हैं तो तब 50 से 70 रुपये किलो मिल जाएंगे? ना मिल सकता 70 रुपये 80 रुपये मिल सकता है। इस टाइम मंडी में सबसे महंगी सब्जी क्या है? सबसे ही मटर। मटर कितने की है? अदरक 250 रुपये किलो। अदरक 250 रुपये किलो, मटर है 100 रुपये किलो। तो चलो ये तो फिर भी चल जाएगा, पर टमाटर का तो नहीं चलेगा? तो महंगा इस टाइम क्योंकि बारिश की वजह से मारा गया टमाटर, पीछे तो इस वजह से अब टमाटर बारिश बंद हो जाए तो उसमें तो महंगा मंदा हो जाएगा टमाटर, अभी बाहर का टमाटर आ रहा है इसलिए महंगा हो रहा है, ये
मटर महंगी है, अदरक महंगा है, ये सस्ती दो चार सब्जी है महंगी है बस ये। तो भाई टमाटर सस्ते नहीं होंगे, अब आप देख लीजिए आप लोगों को टमाटर खाने हैं या नहीं खाने हैं। तो भैया इनके पास थोड़े लाल लाल से टमाटर हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस भाव टमाटर बेच रहे हैं। तो भैया किस भाव टमाटर बेच रहे हैं आप? 120 रुपए किलो। पीछे तो 100 रुपए किलो दे रहे थे। नहीं, 120 ही मिले। कहाँ के टमाटर हैं? बेंगलोर। ये बेंगलोर के हैं, वो तो हिमाचल के बता रहे थे। नहीं, बेंगलोर का है। तो आप किस भाव लेकर आए? मैं तो लाया हूँ 2400 रुपए क्रेट का। वो पीछे तो 3000 बता रहे हैं और 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। 3000 रुपए वो शिमला वाला होगा, भर्ती ज़्यादा होगा उसमें ना, और इसमें कम है, ये वाले काली वाली की रेट है। तो भैया ये टमाटर जो है अब कोई नहीं ले रहा, इन टमाटरों को देख सकते हैं आप कितने लाल लाल टमाटर है। एक टाइम था लोग टमाटर काट के नमक डाल के खाते थे बड़े स्वाद से और टमाटर की चटनी बनाते थे, लेकिन अब तो चटनी भी कोई नहीं बनाएगा। सब्जी में टमाटर पड़ जाए दो टाइम वही बहुत है। तो आपके जो ग्राहक थे वो अभी उतने ही तादाद में आ रहे हैं जितने पहले आते थे? कम है, बहुत कम हो गए, इतना नहीं ले रहे हैं। ये है कि बहुत मुश्किल है, कम पकड़ रहे हैं, महंगा आइटम है तो कम पकड़ेंगे ही। टमाटर ही है सबसे महंगा, जो लोग डेली कमाते खाते हैं वो तो टमाटर नहीं खरीद पाएंगे। गरीब आदमी का बेचारे का टमाटर के रेट तो आसमान छू रहे हैं। तो ये टमाटर के रेट कब घट जाएंगे? अभी तो मैडम कोई पता नहीं है, देखो कब घटते हैं इसका कोई पता नहीं। कितने दिन से बढ़े हैं टमाटर के रेट? यही करीब बढ़े हैं आज से 10 से 12 दिन। 10-12 दिन हो गए हैं। 10-12 दिन में आप लोगों की बिक्री पे भी फर्क पड़ा होगा? फर्क पड़ गया, करीब करीब 200 किलो टमाटर जो बेचता था उसका 100 किलो बिक रहा है। तो भाई सुना आप लोगों ने, क्या कहना है इन लोगों का। अब देखते हैं ये टमाटर जो है कब सस्ते होंगे, बिल्कुल आसमान छूने पर है टमाटर, तो टमाटर के भाव कम नहीं होंगे। ये लोग ऐसा बता रहे हैं जैसे आप लोगों ने सुना, लेकिन अब जो लोग सब्जी में एक एक किलो टमाटर डालते थे अब वो 250-250 ग्राम डाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस दो टाइम की सब्जी बन जाए किसी तरह से, एक एक दो दो टमाटर डाल के। तो अब देखना ये है कि ये टमाटर जो है वो कब इनके रेट थोड़े डाउन होते हैं और कब नहीं होते हैं। तो देखते रहिए इंडी टाइम्स, मैं बबली, कैमरामैन शानवाज अंसारी के साथ इंडी टाइम्स।